हालेलुया, हाथ चको, क्या करो प्रभु मैं तेरी इच्छा ने पूरा कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? देखो जदों भी कोई भेट की गल आती है, चढ़ावे की गल आती है, यदा मतलब यह नहीं है परमेश्वर लालची है जां फिर प्रभु का जन लालची है। एक चीज ही बाइबल दे विच क्लीयर करांगा अज मैं परमेश्वर के वचन दे विचों, परमेश्वर क्यों तुहाडे तो बहुत सारिया चीजा चाहते तुसीं उहदे लई करो। हालेलुया। असीं जदों स्टार्टिंग ते उत्पत्ति नूं पढ़दे हां, उत्पत्ति नूं पढ़दे हां, सुनो ध्यान दे नाल, तुसीं जदों पढ़दे हां उत्पत्ति पहला अध्याय 29 आयत नूं पढ़ो, बड़े ध्यान दे नाल सुनो। परमेश्वर नूं तुहाडा पहला फल चाहिए, पहला पहला फल की आ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़ो। अते परमेश्वर ने आख्या, परमेश्वर ने आख्या, देखो मैं तुहानू, देखो मैं तुहानू हर बीज वाला साग पत्त, हर बीज वाला साग पत्त जेड़ा सारी धरती दे उत्ते है, जेड़ा सारी धरती दे उत्ते है, ते हर वृक्ष, हर एक वृक्ष जेदे विच, जेदे विच उसका बीज वाला फल है, बीज वाला फल है दे दिता। लो जी सारे फ्रूट, सारे वृक्ष परमेश्वर कहना मैं तुहानू दिंदा। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर ने अदन का बाग लाया, परमेश्वर ने संसार को बनाया और सारा कुछ उन्हें परमेश्वर ने बंदे नूं देता। कहो सारा कुछ मैनू देता, बोल भी बो, सारा कुछ कहो, सूरज भी मेरा है, चंद्रमा भी मेरा है, आकाश भी मेरा है, आकाश धरती भी मेरी है, चंद्रमा भी मेरा है, तारे भी मेरे है। बोली जाओ तुसी जो जो तुहानूं फल फ्रूट ये सारिया चीजा मेरिया है। बोलो 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 सारे जने, बोली जाओ कहो ये मेरिया है, मेरिया है। हालेलुया, हालेलुया। कहो भी यार, जे कहोगे तो आओ भी ब्लेसिंग। ये वचन है परमेश्वर का, बाइबल च लिखा धरती ते आकाश टल जाएंगे पर मेरे मुंह चो निकले वचन, ये परमेश्वर के वचन आ। ये तुसी वचन बोल रहे हैं, ये जो वचन च लिखा तुसी वो बोल रहे हैं, तुसी अपनी भाषा नहीं बोलते पे, तुसी परमेश्वर की भाषा बोलते पे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहो 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 जो कुछ धरती ते आ, जो कुछ धरती ते फल फ्रूट, फल फ्रूट जिन्ने वृक्ष गाए, वृक्ष हर एक चीज मेरी है, हर एक चीज मेरी प्रभु ने मेनू दी, प्रभु ने मेनू दी, प्रभु ने मेनू दी, परमेश्वर ने मेनू दी। बोलो आमीन, आमीन। हुण तुसी 2:15 पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नु लेके, उस आदमी नु लेके अदन दे बाग विच, अदन दे बाग दे विच रखिया, ता जो ओ उस दी वाही, ता जो ओ उस दी की करे, वाही ते वाही करे, हां वाही ते राखी करे, राखी भी करे, हां। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नु, हां यहोवा परमेश्वर ने आदमी नु आज्ञा दित्ती, आज्ञा दित्ती कि बाग दे हर वृक्ष, बाग दे हर एक वृक्ष तो तू निसंग खाए, तू निसंग खा, पर भले बुरे दी, पर भले बुरे दी जड़ा जड़ी पहचान वाला फल है तू ना खाए, तू ना खाए। हां जी अगे पढ़ो। क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावे, जिस दिन तू उस तो खावेगा तू जरूर मरेगा, तू जरूर मरूंगा। इतने जरूर एक शब्द होगा, इहदा मतलब जरूर मतलब की भी कोई शक नहीं हैगा, 100% श्योर है वचन परमेश्वर का। परमेश्वर ने सारा कुछ देता, अदन का बाग लाता, परमेश्वर ने कहा एक वृक्ष तो नहीं तू खाना, जिहड़ा विचकार दे विच आ वो परमेश्वर का आ। वो कहता है, बोल भी पौन तुसी बोली जाओ, तुहाडियां गल्लां इदां जवाब मिल जाणा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बनाता, फिर दूसरे नंबर ते परमेश्वर ने दिन बनाए, हुण वो बंदा फल भी खा गया, परमेश्वर का हिस्सा भी खा गया बंदा। किन्ने लोग सुन रहे? जदों परमेश्वर ने इसराइलियां नूं मिस्र दे विच्चों कढ के लैके आंदा, जदों असीं पवित्र बाइबल नूं पढ़दे हां ते उन्हें मूसा नूं एक भविष्यवाणी की, कहिंदा जदों मिस्र विच्चों निकलणगे, कहिंदा इह माल धन सोना चांदी लैके निकलणगे, ते निकले भी उह, ते पिछे बाकी की रह गया? बोल भी पाओ, बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर नूं ते परमेश्वर दे दास नूं मेणे मारे, बाकी तो कुछ छड्डिया ही नहीं उन्हें, क्योंकि जो साढ़े कोल आ ना शैतान नहीं चाहता तुसी ओने विच आनंद होवो, जो नहीं हैगा आ शैतान कहिंदा ओहदे लई रोई जाओ, ओहदे लई पिट्टी जाओ। शैतान दी एक बहुत वड्डी चलाकी आ,
जो हैगा या ओदे लिए खुशी नहीं मनानी, ओदे लिए परमेश्वर दा धन्यवाद नहीं करना, जो नहीं हैगा ओदे लिए रोई जाना। हुण इसराइलियां दे को सोना भी सी, चांदी भी सी, मैं कहना माल डंगर हर एक चीज लेके निकले उत्थों मिस्र चो, पर एक चीज है नहीं सी, उन्हां नूं खाण नूं मांस नहीं मिलिया, वो रोण लग पे जंगल दे विच। किन्ने लोग सुन रहे, जो कुछ कोल सी, सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर ने इत्थों लैके कढ़िया उन्हां नूं, पर जो नहीं सी उहदे लई रोंदे रहे परमेश्वर दे अगे। परमेश्वर चाहुंदा जो नहीं हैगा तुहाडे कोल, समझ लो वह परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। वो च रोवो ना, वो च खुश होवो, पर असी करते की हाँ, असी शैतान की गल कितना मानते हाँ। अदन के बाग च जिहड़ा एक ब्रिक्ष सी, वह परमेश्वर का सी, कहिंदा तुसी इत्थों ना खाइयो, पर इंसान ने उत्थे भी हाथ साफ कर दिता। उस तो बाद परमेश्वर ने दिन बनाए, बाइबल च लिखिया सत दिन परमेश्वर ने बनाए, पढ़ लो उत्पत्ति 2 दे आए 1 तो लैके 3 तक पढ़ो। सो आकाश ते धरती दे उहनां दी सारी वसो संपूर्ण कीती गई। हाँ, परमेश्वर ने सारी वसो संपूर्ण कर दित्ती। हाँ, ते परमेश्वर ने सतवें दिन, हाँ परमेश्वर ने सतवें दिन अपने कारज नूं जिहड़ा उसने बनाया सी, लो जी अपने कारज नूं जो कुछ उहने बनाया सी संपूर्ण कीता, संपूर्ण कीता। अते सतवें दिन, हाँ अपने सारे कारज तों, सारे कारज तों जिहड़ा उसने बनाया सी, जिहड़ा उसने बनाया सी वेला हो गया, वेला हो गया। परमेश्वर भी वेला हो गया, छे दिन उन्हें काम कंप्लीट कर लिया, पर साढ़े को 6 दिन होंगे आ, साढ़े को काम भी नहीं कंप्लीट होंगे, सातवां दिन भी काम असी रब का खाई जाते हैं, मंगते परमेश्वर तो बरकत, गल कुछ भी नहीं की, वो कहना सारा ही तेरा आ, बस एक हिस्सा मैनू दे दे अपनी जिंदगी दे विच्चों, अपने हार्ट दे विच्चों, 3 कोने तेरे आ, 1 कोना मैनू दे दे जिथे मैं रह सकां। अगे असी घर के एक खूंजे जे, तो खूंजे के उत्ते एक मंदिर रखिया सीगा, उत्थे परमेश्वर ने एक स्थान दिता सी अपने घर के, और जदों भी लोग घर बनाउंदे आ एक परमेश्वर लई स्थान जरूर छड्डदे आ। अज भी लोग जदों प्रभु च भी आके पहला भी लोग एक जगह रखते आ, चाहे भावें खूंजा ही होवे, पर अज मेरे जीजो उन्हूं किहड़ा किहड़ी चीज़ चाहीदी, तुहाडे दिल का एक खूंजा चाहीदा। तुहानूं पता बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने कहा इसराइल मेरा भलोठा आ, भलोठा पुत्र आ, इनू जान दे, इनू जान दे। तुहानू पता जो परमेश्वर का पवित्र वा, इहदा मतलब तुसी पवित्र कौम आ, जिहड़े परमेश्वर दे आ की आ, बोल भी पाओ, तुसी बोलदे नहीं, बोलो जिहड़े परमेश्वर दे आ ओह की आ, ओह पवित्र आ, जिहड़े परमेश्वर दे आ ओह की आ, पवित्र आ, ओह की आ, पवित्र आ, ओह की आ। तुहानू पता जिहड़ा दिन तुसी परमेश्वर नूं दिंदे हो दिन पवित्र आ, जिहड़ा समा तुसी परमेश्वर नूं दिंदे समा पवित्र आ, जिहड़ा पैसा तुसी परमेश्वर नूं दिंदे ओह पैसा पवित्र वा। हालेलुया, किन्ने लोग सुणदे आ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। और मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा असी पवित्र नहीं गे, पर जिहड़ी चीज असी परमेश्वर नूं दिंदे आ ओह पवित्र वा, और जो असी परमेश्वर नूं दिंदे आ ओह चीज जिहड़ी पवित्र वा, अते जिहड़ी चीज असी चढ़ाउंदे आ जिहड़ी चीज पवित्र आ ओह सानू भी पवित्र करना शुरू कर दिंदी। ताली मारो परमेश्वर दी महिमा दे लो, हालेलुया। पर अज बहुत सारे लोग पवित्र होना नहीं चाहते, वो जे एक फल अदन दे बाग विचों छड़ दिंदे ते आदम ते हवा पवित्र सीगे, कितना उन्होंने अपने आप नूं भ्रष्ट किया वो फल खा के। किन्ने लोग परमेश्वर दे वचन नूं सुन रहे हैं, हाँ जी पढ़िए 1 तो लैके 3 तक, तीजी आयत नूं पढ़ो। तां परमेश्वर ने सतवें दिन नूं, परमेश्वर ने सतवें दिन नूं ब्लैसिंग दित्ती, पर असी सतवें दिन नूं शराब च बदली जांदे, देना ही नहीं परमेश्वर नूं। कम कम मैं लोगों नूं सौखा तरीका दस्सिया, जट टाइम ना आउण दा इक्को ही तरीका आ, जिदा विआह वाले दिन असी झाड़ू नहीं ना मारदे घर च, सानूं पता जिन्ना मर्जी खलारा चक्को पैना ही पैना आ। जे तुसी टाइम ना आउण दा इक्को ही घर, जदों तुसी टाइम ना जदों पहुंचोगे ना वो समा तुहाडा टाइम ना आउणा दसूगा तुहाडे दिलां च परमेश्वर दी किन्नी वड्डी जगह आ। जे तुहाडे दिल दे विच झाड़ू पोचे दी जगह आ, तुहाडे जाइयां कट्ठियां कर लो, भांडे चक लो, इहदा मतलब हाले भी शैतान बैठा उस दिल च डेरा ला के, वो कहिंदा फसे रहो इन्हां गल्लां दे विच, कहिंदे बंदा मर जांदा पर काम नहीं मुकदे।
ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਿਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਵਿਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਤਿੰਨ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਣ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਚੰਗਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 10 ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਵਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵੋ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ, ਬੁਰਿਆਈ, ਠੱਗੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਸੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਤੁਹਾਡੇ, 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਬੋਲ ਵੀ ਪਓ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਭਜਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੜਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੜਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੜਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੜਾਵਾ ਆ।
पर आप उत्थे भी हाथ साफ कर जाते, तुसीं पवित्र नहीं है। पवित्र परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। जो असीं वचन नूं मानदे हां ते असीं पवित्र हो जाते हैं। ताली मार सकते तुसीं प्रभु दी महिमा दे। परमेश्वर ने फलां दा मंगिया हिस्सा मेरा, उन्हें दिनों का हिस्सा मंगिया मेरा, छे दिन तेरे ते सातवां दिन मेरा। अज लोग इन्हां चीज़ां नूं नहीं मानते, पर वो बरकत लेना चाहते हैं, वो ब्लैसिंग लेना चाहते हैं, वो चंगे होना चाहते हैं। वो कहते आ भी मेरा, आ भी मेरा, संडे भी मेरा, छे दिन भी मेरे ते सातवां दिन भी मेरा, नौ भी मेरे ते दसवां हिस्सा भी मेरा। तुहानू पता वो वचन जिहड़ा आ जिहड़ा तुसीं पूरा करते परमेश्वर लई, वो तुहानू पवित्र करदा आ। ताली मार सकते तुसीं परमेश्वर दी महिमा करो। दुआवां नाल तुसीं पवित्र नहीं हो सकते। भाई लोग दुआवां करी जाते, वचन सैड से रखी जाते, ऐसा पवित्र नहीं होना। जो तुसी परमेश्वर के वचन च रहोगे, कहना जो मेरा वचन थोड़े अंदर रहूगा, तुसी मेरे बिच रहोगे, तो जो चाहो मंगो थोड़े लई, बोल भी पो, बोल भी पो, फिर की हो जाऊगा, पूरा हो जाऊगा। पर हुण प्रॉब्लम इत्थे आ, अज मैं तुहानू सवाल करदा कि तुसी पवित्र होना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं? हालेलुया। हाँ जी, असं गिणती कटांगे, खुदा बड़ी बरकत दे। गिणती च जाइए हुण, आप दशवंध कढ़दे पए, परमेश्वर का हिस्सा कढ़दे पए हाँ। तुहानू पता 24 घंटिआं दे विच 2.5 घंटे परमेश्वर दे आ, असं वह भी हूं जा मार लैंदे किसी चीज़ का। परमेश्वर साडे जीवन च कोई हिस्सा नहीं हैगा किसी भी चीज़ का। असं मूँह ना कहिंदे प्रभु आ आ, पर दिल अंदरों बंद आ, साडा ताला लगा दिल नूं। असी जिदा किसी रिश्तेदार भी आ जाइए, जदों मर्जी आ जाइए, घर ही होंगे असी, तो मुड़ के घर के मूहरे लगा हो ताला, घर के कहने वो फिर रिश्तेदार कहते बेवकूफ बनाते सानू, ये कहते जदों मर्जी आ जाइए, असी तो घर ही होंगे, इन्हें तो घर मेरे ताला लगा है, वो अंदर एंटर हो सकते, बोल भी पो। किन्ने लोग परमेश्वर अपने दिल च लेना चाहते हैं? भजन गाना अज कह, मेरे दिल दे बगीचे बिच आ जा, मेरे दिल दे अजानिया। गाओगे सारे जने? गाने बहुत बढ़िया, तुम धमाला ही पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची गाओगे? गाओगे तुसी? ये मूंह नहीं है, बोल भी पो। परमेश्वर अदन दे बाग जाए, वो कहने फल कितने गया हो प्रभु ने, कहते दिल दे अदन के बाग चा जा, प्रभु आ गया। जो आ गए ने अपना फल से कहते झट कर गए मेरा फल, ये गए कितने और झट करके लोग गए, झट करके कितने हो गए? बोलते नहीं थे जेडे लोग परमेश्वर का वचन नहीं पूरा करते, पादरी तो लुकन गए, परमेश्वर तो लुकन गए, पादरी के मत्थे ही लगना उन्होंने, उन्होंने पता पेंडे संडे पादरी ने पूछना पिछले संडे आया क्यों नहीं, क्योंकि कुछ चट किया या किन्ने लोग सुन रहे हैं? फड़ा च फल ओदा दिना च, उन्हें एक दिन अपने लिए रखिया, पर वह भी चट कर गए असं, चलो ब्याह चलीए, पादरी ने की देना चट जा, क्योंकि मेरे अगे भी जाते ही इन्ने साल, वह भी चट कर गए। तुहानू पता ये चीज़ा जदों परमेश्वर ने एक फल रखिया सी ना, उदों पैसा नहीं चलता सी, शहर जो पैसा चलता हों तो प्रभु पैसे च फर्क परखता सानू भी, भाई ये दसवां हिस्सा मेरा आया, 100 रुपया तेन दिता, 10 रुपये मेरे रखे, उदो पैसा नहीं सी, उदो प्रभु ने फ्रूट उगाए सके, फल उगाए सके, पर उस तो बाद जो फ्रूट की जगह हुण पैसा आ गया। असी कहने दशवंध देना ही नहीं चाहिए। किसी बंदे ने ना पादरी तो दुआ कराई बहर, तो कहता पादरी साहब 3 महीने हो गए बहर आया नूं, काम ही है नहीं, कंपनी ने जवाब देता। पादरी ने कहा ठीक है मैं तेरी दुआ करना, तू दशवंध दे दिया करूंगा चर्च, भी जिते तेरिया जरूरतियां जरूरत है चर्च दिया भी जरूरत है। वो कहना कोई नहीं दे दिया करूंगा। पादरी ने फूक मारी मारी जी, वो 2 दिनों च भरावा वाली नौकरी लग गई, तनखाह लग गई 600 दराम। कितने लोग सुन दे,
हालेलुया। वो कहना चल वेले नालो छे सौ ही चंगा, वो महीने बार काम किया पासी ने गवाही दी चर्च कड़े, हम वेले थे, हम बेरे पास काम नहीं था, ऐसे था हम लाचार थे, बेबस थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, हमारे लिए पादरी ने प्रार्थना की, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, 600 दिरहम आया, 500 घर भेजा, 50 रुपए मेरे जेब में है, 60 रुपये मैंने पादरी को दे दिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीजस, थैंक यू बाप बेटा बाप रो। दशवंत ने 3 महीने दिता, उसकी सैलरी 1000 हो गई, वो बड़ा खुश है। हम दशवंत जिनी सैलरी बदनी उन्ना दशवंत भी बदना, दशवंत हूँ 100 दिरहम से चला गया, हूँ 100 दिरहम इधरला बनता 1800 रुपया, पता नहीं होंगे शायद 2000 ही बनता होना। हाले लिया 1000 से चल गई, बड़ा खुश, तेन उन्हें फिर 100 रुपया कटिया, हमने ना बहुत तंगी कट्टी। हाले लिया बहुत तंगी कट्टी, खाने को रोटी नहीं थी, लाचार था, बेबस था, नौकरी नहीं थी, 500 जी ने दवा की, 600 मिला, दोबारा मैंने 60 रुपया निकाले, 1000 दिरहम हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद, 500 जी आपका भी धन्यवाद, ओके थैंक यू जैन सिंह चल गए। उस तो बाद 2 महीने दी सैलरी हो गई 2000 दिरहम, हूँ ऑफरिंग बढ़ गई, दशवंत 200 से आ गया, 200 दिरहम इधरला बनता 3600 हो गया, 4000 रुपया। हाले लिया कितने लोग सोते, फिर उन्हें गवाही दी, मैंने ऐसे ऐसे खाने को रोटी नहीं थी, भिखारी थे, मांगते थे, ऐसे घर वाले तंग थे, फीस नहीं दे होती थी बच्चों की, नलायक थे, नकम्मे थे, पाप ने दुआ की, दशवान ने बढ़ा, जे लीजिए 200 रुपया। हूँ सीधी सैलरी चल गई 5000 दिरहम से चल गई, हूँ तनखाह के 500 देना, किन्ने लोग सुन रहे, हाले लही है, हाले लही है, बोल दे नहीं, किन्ने लोग सुन रहे हैं। हूँ वह बंदा कहना मैं गवाही नहीं देनी, हूँ कहते गवाही ल, हूँ मैं गवाहियां दी, मैं तो दिती सी, जो 1000 रुपया सैलरी बधी सी 2000 हुई सी, हूँ 5000 की गवाही ने, नहीं नहीं मैं नहीं, उन्होंने पता जे पाद ने पता लग गया 5000 हो गया, तो 500 दिरहम मतलब कि हो गया 10-15 हज़ार रुपया बनता दशवंत। हूँ गवाही लगो ली, फिर पादरी ने पता लग गया, पादरी कहो तू दशवंत नहीं दिना, मैनू पता लगा तेरी सैलरी 5000 दिरहम हो गई आ, वो कहना पासी तनखाह तो बहुत वधिया लगी आ, पर दशवंत कहना 100 रुपया ना सरूगा। हाले लही है किन्ने लोग सुन रहे, हाले लही है कहना तनखाह तो बहुत सोहनी लगी पासी, पर मैं तेरे सवाल करना जी, कहना की कहते दशवंत 100 रुपया ना ना सरू, हाले लही है किन्ने लोग सुन रहे हैं, भी साढ़े को सारा कुछ ही आ जाए, प्रभु नूं असीं कुछ नहीं देना, प्रभु अपना आप ही सारे, किन्ने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं। हाँ जी गिनती तो आईए, खुदा बड़ी बरकत दे तुहानूं, सोहने सोहने परमेश्वर के वचन पढ़िए, 5 हाले लई है, गिनती जाओ, गिनती करिए थोड़ी जी, आप गिनती करो तुहाडी तनखाह किन्नी है, तुसीं हुण फल दे के पवित्र होना कि नहीं होना, खा जाना है 18:8 तो पढ़ो, 8 to 10 तक पढ़ो। फिर यहोवा हरून नू बोलिया, हाँ यहोवा हरून नू बोलिया, वेख मैं आप तेनू हाँ? चुकन दिया पेटा दी हाँ? जिम्मेवारी दिती है, हाँ हरून नू कहना मैं तेनू चुकन वाली पेटा दी जिम्मेवारी दिती है, इसराइलियां दिया सारिया पवित्र चीजा, हाँ इसराइल दिया सारिया पवित्र चीजा, देखो ध्यान ना पढ़ो, इसराइल दिया सारिया ही केड़िया चीजा, पवित्र चीजा, बोल भी बोल, पवित्र चीजा केड़िया, पवित्र चीजा केड़िया, पवित्र है जड़िया चढ़ाते हैं, अभी तो कहने प्रभु पवित्र है, होर कोई पवित्र है ही नहीं, जैसी भी आवी बैठा है, हाले लई है सारिया पवित्र चीजा, हाँ जी तेनू मसा होने के कारण, हाँ क्योंकि तेनू मैं मसा किया इन्होंने सरहेलियां संभालने के लिए, हाँ अते तेरे पुत्रा नू सदा दे हक दे लिए, तू मसा किया होया आ, ये मैं तेरे लेखे लाउंदा आ सारिया चीजा, चुकन दियां पेटा, दशवान दियां पेटा, दशवान दियां सुखना, ये सब मूसा नू उनू हरून नू क्या तेरे और तेरे पुत्रा दियां आ। अगे पढ़ो, ये तेरे लिए अत पवित्र चीजा, लो ये तेरे लिए अत पवित्र वा, लो होर कुछ नहीं,
हालेलुया हालेलुया। की तुसी चाहते यीशु ने साडे लई पवित्र लहू बहाया। तुहानू पता तुहानू छुटकारा देण लई पवित्र लहू की लोड़ सी। देसी बनौटी नहीं चलना सी, बकरियां दा भी नहीं चलता सी, बेकड़ियां दा भी नहीं चलता सी, धूड़ां दी सवाह भी जिहड़ी सी ओह भी नहीं चलदी सी। पवित्र चाहिए सी, पवित्र छुटकारा देण दे लई, और यीशु ने पवित्र ही दिता। किन्ने लोग सुन रहे आ? अज असी बहुत सारिया चीजा जड़िया असी परमेश्वर लिए पवित्र वा ओनू खा के उन्होंने भ्रिष्ट करी जाने, अपन कमाइया भ्रिष्ट करी जाने, अपनिया अपने बच्चों अपनी आने वाली पीढ़ी भ्रिष्ट करी जाने। किन्ने लोग सुन रहे हैं? हाँ जी पढ़ो पढ़ो। कहिंदा ये सारिया परमेश्वर तेरे लिए पवित्र वा। हाँ जी अत पवित्र चीजा तो होणगियां, अत पवित्र चीजा तो होणगियां जिहड़ियां अग तो बचिया रह अज तो। हाँ जी अग तो। हाँ हाँ जी अगे पढ़ो। पवित्र होणगियां। देखो कहिंदा जबरदस्त परमेश्वर दा कलाम आ। ओह चढ़ावा ओह समा ओह दिन जिहड़ा तुसीं परमेश्वर नूं दिंदे आ ओह पवित्र वा, अते जो पवित्र चीजां तुसीं चढ़ाउंदे आ परमेश्वर नूं ओह मुड़ के तुहानूं पवित्र करदियां।